हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे सब आप लोग। लास्ट क्लास में हमने देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर हमने थोड़ा सा हकल्स रूल देखा था, ठीक है। फिर आपने बेंजीन की प्रिपरेशन, बेंजीन की रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट, एसाइलेशन, एल्काइलेशन, ये सारी चीज़ें देखी थी। अब उसकी देख लेते हैं ESR के मैकेनिज्म ना। बेंजीन में ESR होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो उसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं अपन, ठीक है। तो अपन इसको ESR भी कहते हैं, ठीक है। पहले देख लो ESR क्या होता है। ESR इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, भाई क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक है तो अपन यह कह सकते हैं एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक, ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, ठीक। तो इसमें सिंपल इसकी डेफिनेशन यही है कि जो हाइड्रोजन होता है वो डिप्लेस हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है किससे, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा, ठीक है। तो यहां पे इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे अपन कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बेंजीन रिंग बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है, क्योंकि अगर ये समझना है तो इसको लिख लिख के ही समझ पाओगे आप लोग, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बेंजीन रिंग बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई ये बेंजीन है, अब इसके क्या है, छह के छह हाइड्रोजन एक्टिव रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा, ठीक, किसी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा और इलेक्ट्रोफाइल ने हाइड्रोजन को हटा दिया और वो खुद जुड़ गया यहाँ पर, ठीक। तो इस मैकेनिज्म में तीन स्टेप इन्वॉल्व होती है, इसकी मैकेनिज्म में तीन स्टेप इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर मैकेनिज्म समझ ले पहले, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ESR, ठीक है, या ESR, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है बेटा कि पहली स्टेप में क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। तो अपन तीन स्टेप होती है, तीन स्टेप लिख लेते हैं, स्टेप वन, स्टेप टू और स्टेप थ्री। देखो बच्चों को क्या है, ये बहुत कठिन लगता है लेकिन ये है बहुत ईजी, ठीक है। जैसे गणित के पहाड़ में दो दुनी चार, चार दुनी आठ, दो दुनी पांच नहीं हो सकता, वैसे यहां पर भी ऐसा ही होगा, ठीक है। स्टेप वन में क्या है कि पहले क्या बनेगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अब वो कैसे होता है अभी बताते हैं, ठीक है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है वह क्या करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा और बेंजीन को कन्वर्ट किस में करेगा, पॉजिटिव चार्ज में, मतलब वह किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बोनियम आयन में। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल लिखते जाइएगा, फाइल अटैक्स ऑन बेंजीन रिंग एंड फॉर्म कार्बोनियम आयन। अभी कार्बोनियम आयन क्या होता है अभी बताते हैं, ठीक है। बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसको अपन EM लिखते हैं। जैसे अमोनिया होता है NH3 होता है, लेकिन अपन क्या लिख, अगर NH4 हुआ तो क्या जोड़ देते हैं, अमोनियम, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, कार्बोनियम हो जाएगा, कार्बोनियम आयन बन जाएगा, क्योंकि बेंजीन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यह जो पॉजिटिव चार्ज बना, तीसरे स्टेप में क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम
फ्रॉम बेंजीन बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, वही जो इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ है उसको वो किस बेटे करेगा, बेंजीनिंग पे, और उसको रिप्लेस कर देगा किससे, इलेक्ट्रोफाइल से, खुद से। ठीक है, अब यहां पे देखिए पहली स्टेप, स्टेप वन क्या बताया था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, देखिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कभी भी हो, कैसे टूटता है, कैसे बनता है, वो किसी ना किसी न्यूक्लियोफाइल से अटैच रहता है हमेशा, और वह किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अपना इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो जाता है। देखिएगा यहां पे, देखिए जैसे HCl है फॉर एग्जांपल बता रहा, या NaOH है, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर ये HCl ब्रेक डाउन होता है तो किसमें टूटता है, H आयन में और क्लोराइड आयन में, तो ये क्या हुआ इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या हुआ न्यूक्लियोफाइल, मतलब यहाँ हाइड्रोजन आयन, जहाँ पॉजिटिव चार्ज आया मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अब वह एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से गेन करने की कोशिश करेगा, तो ये क्या हुआ इलेक्ट्रॉन लविंग हुआ, इसी को क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब ये NaOH है, NaOH भी किस में टूटता है, सोडियम आयन में और OH आयन में, तो यहाँ पे भी सोडियम आयन क्या है इलेक्ट्रोफाइल है, तो उसी तरह हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ है किससे जुड़ा हुआ है न्यूक्लियोफाइल से, कैसे बनेगा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या बनाएगा ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, और न्यूक्लियोफाइल और कैटलिस्ट एक साथ एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएंगे, या कभी कभी किसी किसी केस में यह न्यूक्लियोफाइल अलग रिलीज होता है और कैटलिस्ट अलग रिलीज होता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है सेकेंड स्टेप में क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ है वो अटैक करेगा किस पे, बेंजीन पे, ये बेंजीन है। सेकेंड स्टेप देखिएगा, स्टेप टू क्या बोला था कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन बेंजीन रिंग एंड प्रोड्यूस कार्बोनियम आयन। ठीक है, ये भाई बना लिया हमने बेंजीन रिंग। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है कभी भी आप बुक में देखोगे ना तो ये जो बेंजीन के तरफ का एरो यहां जा रहा है, और हम बोलते क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग, तो ये जो एरो है ना इससे कंफ्यूज मत होना, ये ऐसा एरो कभी मत बनाना इस तरह से, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये यहां से बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, बेंजीन के किसी कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, इसलिए एरो हमेशा इस तरह ही होगा। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो ये ऐसा एरो क्यों नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पे इसको हमेशा ऐसा बेंजीन से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ही जाना है, ताकि ये दर्शाए, क्योंकि ये रिप्रेजेंट हो जाए यहाँ पर कि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है कहाँ पर, जो भी इलेक्ट्रोफिलिक एटम है उसकी तरफ। ठीक, अब क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो बेंजीन है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी कार्बोनियम आयन में, और यहाँ पे क्या लग जाएगा इलेक्ट्रोफाइल आके लग जाएगा। ठीक है, अब ये कार्बोनियम आयन क्या होता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये यहाँ से ऑर्थो पोजीशन से मेटा पोजीशन पे फिर पैरा पोजीशन पे ये डीलोकलाइज होता रहता है। ठीक है, तो यह एक तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता ही है, हर किसी भी ESR में ये तीन स्ट्रक्चर बनेंगे ही, अगर कार्बोनियम आयन बन रहा है तो ये तीन स्ट्रक्चर बनेंगे, कौन कौन से बता रहे हैं, पहला स्ट्रक्चर तो यही हुआ कि भाई इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। ठीक है, जैसे ही अटैक किया तो ये बन गया, ये वाला स्ट्रक्चर बना कार्बोनियम आयन वाला स्ट्रक्चर बना, और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, और ये एज इट इज रह गया। ठीक, फिर ये जो इलेक्ट्रोफाइल था, ये जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वह मूव करेगा कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन पे, फिर पैरा पोजीशन पे भी मूव करता है, तो यह क्या है इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर कुछ इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज आके जुड़ जाएगा यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रोफाइल अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। ठीक है, तो यह एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यह हो गया। ठीक, फिर क्या होगा, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा यह इस तरह से,
पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा भाई, यहाँ से मेटा पोजीशन से ये पेरा पे गया, पेरा से कहाँ गया, फिर से मेटा पोजीशन चल जाएगा भाई, वो डीलोकलाइज हो रहा है। तो डीलोकलाइज होते होते इस तरह के तीन स्ट्रक्चर बनाता ही है। तो इसलिए क्या होता है, दिस पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, रेजोनेंस एक एक इसका कार्बोनियम आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन जाता है। ठीक है, अभी जब हम क्लोरीन का हेलो क्लोरीन का पढ़ाएंगे, फिर नाइट्रोजन पढ़ाएंगे, तो उसको और समझ में आ जाएगा। ये तो अभी एग्जांपल ही दे रहे हैं हम। ठीक है, अब ये हो गया, कार्बोनियम आयन बन गया, अब क्या होगा, सीधे प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा, स्टेप थर्ड में क्या बताया था कि प्रोडक्ट बनेगा, स्टेप थर्ड में क्या बोला था कि बेंजीन पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और रिप्लेसमेंट करेगा हाइड्रोजन एटम को। ठीक है, यहां पे कार्बोनियम आयन तो अपना बन गया है, कार्बोनियम आयन ये बन चुका है। ठीक, अब इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ रिप्लेस करेगा किसकी मदद से, किसी कैटलिस्ट की मदद से, किसी कैटलिस्ट की मदद से रिप्लेस करेगा। और जैसे ही बनेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, बेंजीन फिर से बेंजीनिंग जैसा, ये तीनों बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी हो सकता है, क्लोराइड आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी बताएंगे एग्जांपल में। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार ये तो सीएल नेगेटिव है, तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो गया, वो ये सीएल नेगेटिव नहीं है, वो सीएल पॉजिटिव है, वो सीएल पॉजिटिव कैसे हुआ अभी बताते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट कुछ भी होगा, यहाँ बाय प्रोडक्ट में कैटलिस्ट के साथ में हाइड्रोजन जुड़ के बाहर चला जाएगा। ठीक, जब ये भी एग्जांपल आएगा ना तब अच्छे से समझेंगे। क्या है ईएसआर, है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, इसको अपन क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बेंजीन रिंग बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हो जाना क्या कहलाता है, ईएसआर रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, वो कितनी स्टेप्स है इसमें, तीन स्टेप्स है। स्टेप वन में क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पे, बेंजीन पे, और वह क्या बनाएगा, कार्बोनियम आयन। फिर स्टेप थर्ड में क्या होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा और कोई नया सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ जाएगा अपने पक्ष में। ये अपन ने स्टेप बाय स्टेप देखा, अब देखते हैं हेलोजिनेशन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन, ये एक बार अगर समझ में आगे नहीं बैठा तो ये जिंदगी भर आपको याद रहेगी। ठीक है, हमने भी एक ही बार पढ़ी है जिंदगी में, उसके बाद से पढ़ा ही रहे। हेलोजिनेशन मैकेनिज्म, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं किससे, FeCl3 से। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, हेलोजिनेशन करवाते हैं किससे, बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं किससे, FeCl3 से। ठीक है, और क्लोरीन से। ठीक, क्लोरीन, ये देखो बेटा, ये Cl2 होता है ना, ये होता है क्लोरीन, और ये सब Cl आयन होता है, ये होता है क्लोराइड आयन। ठीक है, और ये Cl पॉजिटिव होता है ना, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल। ये दिमाग में बैठा लेना कि ये Cl पॉजिटिव भी होता है, Cl नेगेटिव भी होता है, क्लोराइड आयन है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और ये है क्लोरीन। Cl2 बोले तो क्लोरीन। ठीक है, कितने रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 से 27। ठीक है, 27 रूम, एट रूम टेम्परेचर लिख सकते हैं अपन। तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा आपका, क्लोरो बेंजीन। अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं कि क्लोरो बेंजीन बना कैसे। क्या बताया था, पहले स्टेप क्या थी, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। तो यहां पे अपन समझते हैं इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे हुआ होगा। यहां पे अपन ने रिएक्शन कैटलिस्ट क्या यूज किया है, कैटलिस्ट यूज किया अपन ने FeCl3। ठीक है, और किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, क्लोरीन से करवा रहे हैं। तो ध्यान देना,
स्टेप वन में क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जैसे ही अपन ने क्लोरीन की रिएक्शन करवाई, किससे, FeCl3 से, क्लोरीन Cl2 की रिएक्शन करवाई FeCl3 से, तो ये क्या हो जाएगा, FeCl4 बन जाएगा, फेरिक टेट्राक्लोराइड बन जाएगा, FeCl4 बनेगा। ये क्या है, फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड, और यह क्या है, क्लोरीन है। ये क्या बन जाएगा, FeCl4, और ये जो एक Cl बचा है वह क्या कहलाएगा, वो बन जाएगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ना कि क्लोराइड आयन अटैक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, ठीक है, जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इन हेलोजिनेशन या इन क्लोरिनेशन कौन सा एटम अटैक करता है या कौन सा कंपाउंड अटैक करता है बेंजीन रिंग पे, ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके ये रहेंगे, या तो क्लोराइड आयन रहेगा, ठीक है, या क्लोराइड पॉजिटिव रहेगा, या Cl2 रहेगा, ठीक है, या क्लोराइड फ्री रेडिकल भी होते हैं, क्लोराइड फ्री रेडिकल भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों में से कौन अटैक करता है, तो क्लोराइड पॉजिटिव आयन अटैक करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ना इम्पोर्टेंट समझ के चलो, ठीक है। अब ये जो फ्री, ये जो अपना इलेक्ट्रोफाइल बना है, क्लोराइड इलेक्ट्रोफाइल बना है, वह किस पर अटैक करेगा, दूसरी स्टेप क्या आती, बेंजीन पर अटैक करेगा और क्या बनाएगा, कार्बोनियम आयन, ठीक है। यहां लिख दो कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग एंड प्रोड्यूस कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, बेंजीन जैसे आई अपनी, बेंजीन ये है, बेंजीन इस पे क्या होगा, क्लोराइड पॉजिटिव ने अटैक करा, ठीक, तो ये इलेक्ट्रोफाइल डोनेट कर देगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां सिंपल ये हो जाएगा, जहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो बन जाएगा इसमें कार्बोनियम आयन, ठीक, और यहां पर क्लोरीन अटैक हो जाएगा, ठीक। तो इसको बोलते हैं कार्बोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है अपने को। यहां पे अपने इसे ये ध्यान देना है कि क्लोराइड पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया बेंजीन रिंग को और क्या बनाया, कार्बोनियम कंपाउंड बना दिया। अब यहां से रिप्लेसमेंट होगा किसका, हाइड्रोजन एटम का। तीसरी स्टेप क्या थी कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड प्रोड्यूस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। स्टेप थर्ड क्या था, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोफाइल। भाई यहां पे क्या था अपना, ये कार्बोनियम आयन तो बन गया है, ठीक, यहां पे चुपचाप से क्या हो जाएगा, ये HIN, ये Cl, और क्या कैटलिस्ट क्या यूज किया था हमने, FeCl4 बचा था अपने पास में, ठीक है। तो यहाँ FeCl4 का ये जो है ना, ये Cl और ये FeCl3 है, तो ये H, ये हाइड्रोजन का H और ये FeCl का एक Cl, ये हट जाएंगे, क्या बन जाएगा, HCl एज अ बाय प्रोडक्ट निकल लेगा, FeCl3 एज इट इज निकल जाएगा FeCl3, ठीक है, और यहाँ पर अपनी क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। ये क्या बना अपना, क्लोरोबेंजीन, ठीक। यहां पे क्या है, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, HCl एज अ बाय प्रोडक्ट, FeCl3 एज अ बाय प्रोडक्ट। तो यहां पे तीन स्टेप में अपनी ESR खत्म हो गई है, ठीक है। पहले स्टेप क्या थी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरी स्टेप क्या थी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरी क्या थी, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग एंड प्रोड्यूस कार्बोनियम आयन, तीसरी क्या थी, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, और नया अपना सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास में। ऐसे ही अपन नाइट्रेशन में देखते हैं, नाइट्रेशन के मैकेनिज्म में हमने क्या है, डायरेक्ट बता दिया था कि ये HNO3 है, H2SO4 की प्रेजेंस में NO2 आके जुड़ जाएगा तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। अब उसकी मैकेनिज्म समझते हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ होगी। नाइट्रेशन में देखिए,
नाइट्रेशन, ठीक है। जब बेंजीन पे अपन किसकी रिएक्शन करवाते हैं, HNO3 की, नाइट्रिक एसिड की, किसके प्रेजेंस में करवाते हैं, H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं, H2SO4 एज अ कैटेलिस्ट यूज करते हैं वहां पर, ठीक है। यहां पर देखिए बेंजीन है, बेंजीन है, बेंजीन में अपन ने किसकी रिएक्शन करवाई, नाइट्रिक एसिड की, HNO3 की, ठीक है। तो क्या किसकी प्रेजेंस में करवाई, H2SO4 की प्रेजेंस में करवाई। आप देखना लेब वगैरह में कभी भी देखोगे तो हमेशा सर आपके सर बोलेंगे कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ही इसको रिएक्शन करवाइए, ठीक है। यही 70 डिग्री टेम्परेचर ही मानते हैं हम हमेशा। तो क्या बन जाएगा आपका, नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा, NO2 आके जुड़ जाएगा। तो ये बना कैसे, ये जुड़ा कैसे, तीन स्टेप इसमें भी होगी, ठीक है। तो इसमें कौन सी स्टेप पहले होगी, देखो बेंजीन की रिएक्शन मैंने करवाई किससे, नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रिक एसिड से, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, क्या बना, नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह HNO3 H2SO4 से रिएक्ट करके क्या बनाता है, नाइट्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है। तो पहला क्या है, नाइट्रोनियम आयन क्या हो जाएगा आपका, फ्री रेडिकल हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट, यहां पर भी वही होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अगर जो बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं उनको अच्छे से समझ में आएगा, तो अभी भी जिसने नहीं उठाया होगा वो उठा ले, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पे देखिए ये आपका H2SO4 है, आपका क्या, हमारा भी, सभी का H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 है, ठीक। उसने क्या किया, नाइट्रिक एसिड HNO3 है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, OH NO2, बात तो वही है, HNO3, ठीक है। तो यह क्या करेगा, इससे H2SO4 से रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये दो, ये देखो यहाँ पे जो H है ये डोनेट करेगा किसको, इसको, नाइट्रिक एसिड को। यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो बाइसल्फेट आयन बना, तो यहाँ से एक H गया, यहाँ से एक H चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बाइसल्फेट आयन, और यहाँ पे एक H आके जुड़ रहा है, एक हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जब यहाँ ऑक्सीजन पे एक एक और एक वैलेंसी आ जाएगी तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO2 ये एज इट इज हो जाएगा, ठीक। तो यह क्या बना अपना, ये बन गया क्या, कार्बोनियम, ये हो गया, इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है ना तो इसको बोलेंगे अपन ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ऑक्सोनियम आयन है ये ब्रेक डाउन होगा किसमें, ये जो ऑक्सोनियम आयन है यह ब्रेक डाउन होता है किसमें, HNO2, और ये था, ठीक। तो ये हो जाएगा किसमें, H2O में, यहां से ब्रेक डाउन हुआ, ये इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ये बन गया क्या, H2O और प्लस आपका ये NO2 पॉजिटिव चार्ज। कैसे NO2 पॉजिटिव चार्ज बना, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, तीन होती है। तो यहाँ पर देखो NO डबल वो है, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है, इधर भी NO ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है, तो कुल मिला के यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, चार। तो अगर एक वैलेंसी बढ़ती है तो अपन क्या, एक पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, एक वैलेंसी बढ़ती है तो हम एक पॉजिटिव चार्ज भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया आपका, यह फ्री रेडिकल, ठीक। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर जो H2SO4 है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, वह तो एसिड की तरह काम कर रहा है, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड है वह यहां बेस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। यह क्वेश्चन आ सकता है कि इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन HNO2 HNO3 नाइट्रिक एसिड बिहेव्स लाइक एसिड, बेस, न्यूट्रल या फ्री रेडिकल, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि यह लिखते तो अपन नाइट्रिक एसिड है, फिर यह बेस की तरह कैसे बिहेव करता है। तो यहां पर देखना अच्छे से कि जो ये जो H2SO4 है, इसने तो एच आयन दे दिया, तो आरेनियस थ्योरी क्या कहती है, एसिड एंड बेस की, जो प्रोटॉन को डोनेट करता है,
जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वह क्या कहलाता है? एसिड, ठीक है। और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वह क्या कहलाता है? बेस। तो यहां पर नाइट्रिक एसिड क्या करता है, एक एक हाइड्रोजन आयन एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रख रहा है, तो यहां पर क्या बोलेंगे इसको, एज अ बेस काउंट करेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो ये एक नोट हम लिख रहे हैं, इसको नोट कर लेना कि इन दिस रिएक्शन इन दिस रिएक्शन H2SO4 बिहेव्स लाइक एसिड, बट नाइट्रिक एसिड बिहेव्स लाइक बेस। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, इसका नेचर कैसा होता है, एसिड या बेस या न्यूट्रल या किसी और प्रकार का, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आ सकता है। अब यहां पे देखिए, पहले स्टेप में अपना क्या हुआ, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, यहां पर जो नाइट्रोनियम आयन है वह क्या करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा, ये NO2 है, या किस पे अटैक करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा, और क्या बनाएगा, कार्बोनियम आयन, क्या बनाएगा, कार्बोनियम आयन, ये H है और ये NO2 है, ठीक है, यह बनाता है क्या, कार्बोनियम आयन। अब यह जो कार्बोनियम आयन है यह भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होते रहेगा, ठीक। तो ये इसके भी तीन स्ट्रक्चर बनते हैं, तो उसके अपन उतना उसमें नहीं जाएंगे, ठीक। ये अपन थर्ड सेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इससे ज़्यादा बाहर का नहीं पूछा जाएगा कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में, ठीक है। मेन क्या था, एज वो नाइट्रिक एसिड का बेस बेस के जैसे बिहेव करना, ठीक। तो यहाँ पे देखना, कार्बोनियम आयन तो बन गया, कार्बोनियम आयन बन गया, ठीक। स्टेप थर्ड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब क्या होगा, सिर्फ हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो हाइड्रोजन रिप्लेस होने के लिए क्या चाहिए अपने को, कैटलिस्ट चाहिए। कैटलिस्ट क्या यूज किया था अपन ने, H2SO4 यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, H वो बाइसल्फेट तो बन गया था उसमें, तभी तो नाइट्रोनियम आयन बना है। तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास में, HSO4, ठीक। तो यहाँ पे क्या जाएगा, H2 हो जाएगा बिहेव, तो यहाँ पे क्या बनेगा अपना, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, ये NO2 नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, और ये H2SO4 एज इट इज बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये बाइसल्फेट था, H यहाँ से आया, क्या बना, H2SO4, ठीक है। तो ये हमारा क्या मेन प्रोडक्ट क्या था, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट क्या था, नाइट्रोबेंजीन, ठीक। तो ये दोनों चीज ध्यान रखनी है हमें, एक तो तीन स्टेप याद रखना है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, एंड रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। तो ये हेलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, ठीक। अभी क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन लिखो, व्हाई एल्किन्स शोस एडिशन रिएक्शन बट बेंजीन डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन, ठीक है भाई। बेंजीन क्यों नहीं शो कर पाती है एडिशन रिएक्शन, एल्किन्स क्यों शो कर पाती है, क्योंकि भाई यहां पे तो क्यों क्या है, सी डबल बॉन्ड सी यहां पर भी बेंजीन में भी है, सी डबल बॉन्ड सी एल्किन में भी है, ठीक। यहां पर भी डबल बॉन्ड है, यहां पर भी sp2 हाइब्रिडाइज है, यहां पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और यहाँ बेंजीन में भी देखे तो यह भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये क्यों नहीं कर पाती है एडिशन रिएक्शन, उसका कारण सिंपली इतना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है ये वाला कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन क्यों शो नहीं कर पाती, तो उसका कारण सिर्फ इतना है कि बेंजीन की एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है, ठीक है। बेंजीन में क्या बचते हैं, सिर्फ दो डबल बॉन्ड बचते हैं, है ना, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, बेंजीन एरोमेटिसिटी, बेंजीन की एरोमेटिसिटी लॉस हुई, तो क्या हो गया, कार्बोनियम आयन नहीं बना, और यहाँ पे ये एडिशन प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा,
तो बेंजीन बेंजीन रह नहीं पाता है, देखो तो तीन बॉन्ड है बेंजीन में, जैसे यहां पे कोई एडिशन रिएक्शन होगी तो ये क्या करेगा, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, और यहां पे एक एक अगर कोई सब्स्टिट्यूट बना भी है तो ये क्या बन जाएगा, एरोमेटिसिटी दिख रही है यहां पर, नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि तीन डबल बॉन्ड, तीन ये थे डबल बॉन्ड थे, यहां पर दो ही डबल बॉन्ड बचे हुए हैं, तो ये तो हकल्स रूल को फॉलो ही नहीं कर पाएगा, तो फिर वो दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा, उसको दूसरा प्रोडक्ट अपन कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेंजीन नहीं हुआ ये, ठीक है। इसलिए अपन क्या, सिंपली अपन क्या बोलते हैं कि बेंजीन एडिशन एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि भाई हो सकता है कभी वायवा में पूछ ले आपसे, ठीक है। अब देखते हैं आपके जो इसमें सिलेबस में है, कुछ मेडिसिनल कंपाउंड्स है और उनके यूजेस है और उनका स्ट्रक्चर है, उनका आईयूपीएसी नेम है, ठीक है। तो आपको यूजेस में और स्ट्रक्चर में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, स्ट्रक्चर को, क्योंकि आप नाम लिख के आ जाओगे ना एग्जाम में, डीडीटी है, अब डीडी का फुल फॉर्म लिख दोगे आप, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन लिख दोगे, तो इससे नंबर थोड़ी ना मिलेंगे, ठीक। हो सकता है ये जीपेट वगैरह में इसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाए कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए डीडीटी का पहले फुल फॉर्म देख लो, डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइक्लोरो इथेन, यह क्या है, डीडीटी का फुल फॉर्म है, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, स्ट्रक्चर और भी इजी है, ये नाम जितना इजी था ना, स्ट्रक्चर और भी इजी, डरने का नहीं है ना। देखो क्या लिखा है, इथेन है तो आप बना लो क्या, दो कार्बन, फिर क्या बोल रहा है, ट्राइक्लोरो है तो यहां बना लो तीन क्लोरीन, फिर क्या बोल रहा है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल है, मतलब यहां पर क्लोरोबेंजीन, अब बेंजीन को साइड चेन में क्या हो जाता है, फिनाइल, ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक। यहां पे क्या है, इधर भी क्लोरोबेंजीन लगा दो और इधर भी क्लोरोबेंजीन लगा दो, ना छोटा सा तो स्ट्रक्चर है, आप लोगों को डर लगता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, क्लोरो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, यह इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका यूज क्या है, यूज वही है कीटनाशक में यूज करते हैं, एज अ इंसेक्टीसाइड, यूज एज अ इंसेक्टीसाइड। अब आपको हम बता दें कि स्टॉक होम में, देश होगा आपको पता ही है, स्टॉक होम में इसको बैन कर दिया है, कब बैन किया, 1986 में इसको बैन कर दिया था, ठीक है। यूएस में भी चलता था ये 1972 तक, यूनाइटेड स्टेट में भी चलता था, लेकिन यूएस ईपीए यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसने क्या किया, इसको भी 1972 में बंद कर दिया, बैंड कर दिया, ठीक है, इसको बनाना ही बंद कर दिया, क्योंकि उसको हो सकता है उसमें क्या कीटनाशक था तो अपने इसमें जा रहा होगा, जो भी दाल होगा, जो भी अपने खाने के प्रोडक्ट होंगे उसमें जा रहा होगा, तो उन्हें बंद कर दिया। या हो सकता है जमीन, उसको अपनी जमीन की उर्वरता को कम कर रहा होगा, इसलिए उसको बंद कर दिया गया, ठीक है। और एक बात है इसमें, वर्ल्ड वार सेकंड में आपको याद होगा कि वो जो हिटलर थी उसकी सेना को प्लेग हो गया था, ठीक है, तो वर्ल्ड वार सेकंड में इसको यूज किया था एज अ एंटी मलेरियल एंड ब्यूबोनिक प्लेग के अगेंस्ट में, ब्यूबोनिक प्लेग के अगेंस्ट में इसको यूज किया था, ठीक है। तो वर्ल्ड वार सेकंड में भी डीडीटी का यूज हुआ है। अगला कंपाउंड है आपका इसमें सैकरिन, क्या है सैकरिन, इसका भी स्ट्रक्चर इजी है, उतना टफ नहीं है। सैकरिन क्या है, एक वो है आर्टिफिशियल शुगर है, आपको पता ही है, ठीक है। स्वीटनर्स में एज अ स्वीटनर अपन इसको यूज करते हैं, जो जेम्स वगैरह है तो होती है ना, जो खाने बच्चों की जेम्स वगैरह आती है उसमें एज अ स्वीटनर यूज करते हैं इसको, ठीक है। अब एज अ स्वीटनर यूज करते हैं तो यह सुक्रोज से 300 से 400 टाइम स्वीटेस्ट होती है, यह कितने 400 गुना 300 गुना ये मीठी होती है, किससे, सुक्रोज से, जो अपन नॉर्मल शुगर खाते हैं ना उससे, ठीक है।
यहाँ लिख लीजिएगा। अब इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल है, बेंजीन है, बेंजीन है, उसमें आप क्या लगा दो सल्फर, उसी में सल्फर में दो ऑक्सीजन लगा दो इधर वन वन डाइऑक्साइड करके, ठीक है। फिर एक नाइट्रोजन लगा दो और इधर क्या है, इधर सी डबल बॉन्ड ओ लगा दो, बस इतना छोटा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको बोलते हैं सैक्रीन, सैक्रीन, ठीक है। अब होता क्या है, यह भी क्या करता है, ये ब्लेडर कैंसर काज करता है, इसको भी थोड़ा सा कमी यूज करने के लिए बोलते हैं, लेकिन मानते कहाँ हैं लोग बात, ठीक। तो यह क्या करता है, ब्लेडर कैंसर भी काज करता है, ब्लेडर कैंसर काज करता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगली आपका जो वो है वह इसमें बस आपको बस इसमें सिर्फ सिंपल इसका नाम, इसका यूज, इसका स्ट्रक्चर ही पूछा गया है, ठीक है। देख लेना आपके सिलेबस में थर्ड सेम में। अब अगला है आपका BHC, आपको सभी को पता होगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इससे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बेंजीन हेक्साक्लोराइड का दूसरा नाम क्या है उससे क्वेश्चन आएगा, या बेंजीन हेक्साक्लोराइड का जो आइसोमर है उसका क्या नाम है, इससे क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ठीक है। क्या नाम है, BHC का फुल फॉर्म क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यहां देखिएगा ये बेंजीन है, हेक्साक्लोराइड का मतलब क्या है, छह हो जाएगा, क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। इसको भी एज अ इंसेक्टिसाइड ही यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां देखना BHC का दूसरा नाम क्या है बेटा, इसको लिंडेन भी कहते हैं, इसको लिंडेन भी कहते हैं, इतना याद रखना। यूज तो एज अ इंसेक्टिसाइड ही करते हैं, पता ही है, ठीक। अब यहां से क्वेश्चन ऐसा आता है कि बेंजीन का जो आइसोमर होता है, बेंजीन का आइसोमर होता है उसका क्या नाम है, ठीक है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड के आइसोमर का क्या नाम है, तो यहां देखिए छोटा सा स्ट्रक्चर है यह भी, ठीक। यहां पर भी 6 क्लोरीन तो यहां पर भी रहेंगे, ठीक है, लेकिन क्या है, ये जो ये डैश लाइन होती है और ये जो डार्क लाइन होती है, इसका भी मतलब होता है बेटा, ये ऐसी सजावट के लिए नहीं बनाई जाती है, ठीक है। इसका मतलब होता है जो ये ये डार्क लाइन होती है ना, इसका मतलब होता है अबो द प्लेन, ठीक है। जब आप किसी भी कंपाउंड को प्लेन प्लोराइज लाइट के सामने रखते हो, जब हम इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे तो हम इसको बताएंगे अच्छे से, ठीक है। जब हम इसको किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकल प्लेन प्लोराइज लाइट में रखते हैं, तो कुछ बॉन्ड होते हैं जो प्लेन के अबो आते हैं, कुछ बॉन्ड होते हैं जो प्लेन के नीचे आते हैं, और कुछ बॉन्ड होते हैं जो प्लेन विद इन द प्लेन आते हैं। तो जो ये सिंगल लाइन दिखती है, ये विद इन द प्लेन वाली रहती है, ये जो डैश लाइन रहती है अबो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, ठीक है, इसको ध्यान देना। तो यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का आइसोमर का नाम क्या है, क्या नाम है इसका, गैमेक्सेन, गैमेक्सेन यह इसका आइसोमर होता है बेटा, तो ये याद रखना। यूज किस में करते हैं, एज एन इंसेक्टिसाइड। अगला आपका क्या है, क्लोरामीन, अगला क्या है, क्लोरामीन, नाम से समझ में आ रहा है, क्लोर अमीन, आप सिंपल स्ट्रक्चर में मत जाना, एक नाइट्रोजन लगा दो, एक सीएल लगा दो, ठीक, इधर शायद हाइड्रोजन, इधर बैलेंस ही कंप्लीट कर लो, खत्म खेल, ठीक। ये बन गया क्या, क्लोरामीन, इसको बोलते हैं क्लोरामीन। अब इसको इसका यूज किस में है, जो अपन पानी की टंकियों में ये क्लोरीन के टेबलेट डालते हैं ना, तो वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका यूज किया जाता है, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा यूज किसके में, इसमें इसको एज अ वाटर के फ्लेवर के लिए भी यूज किया जाता है, या एज अ वाटर में क्या डिओडरेंट की जैसा भी यूज किया जाता है कि इसकी ओडर अच्छी आ जाए, ठीक है। कभी कभी जो भी कोलार का पानी हो, नर्मदा का पानी हो, कभी कभी आता है ना खराब आता है, तो वहाँ पर क्लोरीन की टेबलेट डाल दी जाती है, ठीक। और इसका बायोफ्यूलिंग में भी यूज किया जाता है, क्लोरामीन का किस में यूज किया जाता है, बायोफ्यूलिंग में भी यूज करते हैं, यूज इन बायोफ्यूलिंग। ये बेटा ये चार कंपाउंड है जो आपके सिलेबस में भी है,
और ये आपको हो सकता है क्वेश्चन 700 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें भी आ सकते हैं, ठीक है। और जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें डीडीटी का फुल फॉर्म आ सकता है पूछने का, स्ट्रक्चर तो नहीं आएगा, ठीक। और ये बेन वगैरह, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड वगैरह, तो ये तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताया था, ठीक है। सैक्रिन का यूज़ आ सकता है, कि सैक्रिन का यूज़ भी पूछ सकते हैं एज अ स्वीटनर, और इसका साइड इफेक्ट भी पूछ सकते हैं कि ये ब्लैडर कैंसर कास्ट करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर तो आपको ये आरजीपी के एग्जाम में काम आएगा, स्ट्रक्चर और कहीं पूछा नहीं जाएगा इसका, ठीक। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का ये आइसोमर से क्वेश्चन आ सकता है कि गैमेक्सेन जो है वो किसका आइसोमर है, तो बीएससी का आइसोमर है, ठीक है। कभी ये ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि बीएससी का यूज किस में करते हैं, नहीं आने वाला, सबको पता है इंसेक्टिसाइड है, ठीक। क्लोरामिन, क्लोरामिन पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरामिन की टेबलेट या क्लोरिन की टेबलेट किस लिए यूज करते हैं, तो वाटर प्योरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं या एज अ बायोफ्यूलिंग के लिए भी यूज करते हैं, ठीक। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फिनॉल, अपनी सेकंड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। तो अपन पूरा समझेंगे फिनॉल, एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ठीक है। इसके फिनॉल के जो कंपाउंड होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है, अभी देखते हैं। हम पानी पी ले थोड़ा सा। ठीक है, तो फिनॉल, अब आपको सभी को पता है फिनॉल का बेंजीन में क्या है, बेंजीन में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ दो तो क्या बनता है, फिनॉल। इससे कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिनॉल का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। फिनॉल को और क्या कहते हैं, कार्बोलिक एसिड, यह क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले जीपेट में कभी ना कभी यह क्वेश्चन आएगा कि कार्बोलिक एसिड किसे कहते हैं या फिनॉल का दूसरा नाम क्या है, कार्बोलिक एसिड भी है, ये मार्केट में भी कार्बोलिक एसिड के नाम से आता है, ठीक। अब देखिए फिनॉल एसिडिक है या बेस है, कई लोग क्या सोचते हैं या OH लगा हुआ है मतलब बेस होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। फिनॉल एसिडिक है, अभी उसका रीजन बता देंगे क्यों एसिडिक है, पहले अपन उसका स्ट्रक्चर देख समझ लेते हैं। तो देखो आपको स्ट्रक्चर याद कैसे रखे जाते हैं उसकी ट्रिक बता रहा हूँ, ये एक OH लगा दिया बेंजीन में तो क्या बना, फिनॉल। इसके जस्ट बगल में और एक H लगा दिया, और एक OH लगा दिया तो क्या बना, केटेकॉल, क्या बना, केटेकॉल। और इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को, इस OH को मेटा पोजीशन पर लगा दी, इसको मेटा पोजीशन पर लगा दिए, है तो सारे फिनोलिक कंपाउंड ही ना, ठीक। तो यहां पे क्या बोलेंगे इसको, रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, ठीक। अब यहीं पर इस फिनॉल में, इस फिनॉल में ये फिनॉल है, इसके बगल में CH3 लगा दिया तो क्या बनता है, क्रिसोल। बेटा ये जब देख रहे हो ना आप लोग, तो इसको बना लेना एक पेज पे, फिर आग बंद करके एक बार रब पेज पे बना के देखना, बन जाएगा। पहले फिनॉल, फिनॉल बनाना, फिर उसके बगल में हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ देना तो केटेकॉल हो गया, फिर उसके बगल में एक OH और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, रिसोर्सिनॉल हो जाएगा, फिर हम CH3 जोड़ दो तो क्रिसोल हो जाएगा, क्रिसोल, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, अगर यह CH3 मेटा पोजिशन पे है, मेटा क्रिसोल, क्योंकि ये तीनों कंपाउंड का यूज होता है अपनी फार्मेसी में, मेटा क्रिसोल। और यह CH3 अगर पेरा पोजीशन पे तो सिंपली पेरा क्रिसोल, ठीक है। तो ये फिनोलिक स्ट्रक्चर है जो हमें पढ़ने हैं, थोड़े से इसकी सिंथेसिस देखेंगे, थोड़ी सी इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये फिनॉल एसिडिक नेचर का क्यों होता है वह देखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर पहले तो ये ओवरव्यू ले लेते हैं इसका, कि जो फिनॉल होता है, ये लिखते जाना बेटा, ये फ्लो चार्ट आपको हमेशा याद रखना है। ये फिनॉल होता है किससे रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ मेटल आयन एंड प्रोड्यूस फिनोक्साइड आयन। अभी फिनोक्साइड आयन क्या होता है वो भी बता रहे हैं, ठीक है, फिनोक्साइड आयन।
अभी फिनॉक्साइड आयन तो बन गया, फिनॉक्साइड आयन जैसे बना तो कहीं ना कहीं से इसका एच निकला होगा, तो यह डोनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो वही आरएनएस की थ्योरी याद आ जाती है अपने को कि जो हाइड्रोजन एटम को डोनेट करता है वह क्या कहलाता है, एसिड। तो यहाँ पे देखना फिनॉक्साइड आयन बनता है, तो यह दिस डोनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम शोस दैट फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। अब जो इसकी जो एसिडिटी होती है ना, नॉर्मल एल्कोहल से ज़्यादा ही होती है, ठीक है। जो अपना एलिफैटिक एल्कोहल होते हैं ना, जैसे एथेनॉल हो गया, मेथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, तो उससे तो ज़्यादा ही एसिडिक होता है फिनॉल। तो यह याद रखना कि फिनॉल मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स, ठीक है, लाइक एथेनॉल, C2H5OH, प्रोपेनॉल, इस तरह से। तो एज कंपेयर टू एल्कोहल फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी, एसिडिटी ऑफ फिनॉल की, कि ये एसिडिक क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस वजह से हुआ, ठीक है। अब आपको बहुत सारी चीज़ें याद, ये देखो यहाँ पे काम की चीज़ क्या थी, यहाँ पर सिर्फ कि भाई वो फिनॉक्साइड आयन बनाता है तो एच आयन डोनेट कर देता है, एच आयन डोनेट कर देता है, इसका मतलब वह एसिडिक हो गया, ये सिंपल है। यहाँ पे फिनॉल को और दूसरा नाम क्या है, कार्बोलिक एसिड है, यह याद रखना है, ठीक है। मेटल आयन से रिएक्ट करता है, ये याद रखना है। अब देखिए, अब यहाँ से ध्यान से समझना कि फिनॉल एसिडिक नेचर का हुआ कैसे। फिनॉल, ठीक है, एसिडिक कैसे हुआ, अब ध्यान से सुनना बेटा कि ये जो फिनॉल का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है, OH है। तो सारे के सारे कार्बन क्या होते हैं, देखो ये एज इट इज ही लिखते जाना, एज इट इज समझते जाना कि ये क्या, ये कैसे बना रहे हैं हम, है ना। यहाँ देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर रेड से लिख देते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कार्बन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो लिखिए इन फिनॉल ऑल कार्बन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। और ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये किससे जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप से। वो हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। तो दिस कार्बन अटैच्ड टू अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अब यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है, और यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है बेटा, यह है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब वह इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ, इलेक्ट्रॉन के बुलाएगा कि इलेक्ट्रॉन आ जाओ करके, ठीक है। यहाँ पे देखना ये जो अटैच sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, यहाँ पे कार्बन क्या है, ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, उससे क्या जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है, जबकि हमने पढ़ा है कि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके कार्बन से ज़्यादा होती है। यहाँ पे देखना ये जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहे हैं हम, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, द इलेक्ट्रो, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है वही बताएंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मोर देन OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या ऑक्सीजन कह सकते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, किसी भी एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देते हैं, टेंडेंसी, ध्यान से देखना, टेंडेंसी ऑफ एन एटम और कंपाउंड
टू अट्रैक्ट द लोन पेयर या शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम की टेंडेंसी लोन पेयर को अट्रैक्ट करने की वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पे देखना, इस पे लोन पेयर है, किस पे, ये OH पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे लोन पेयर दिख रहा है आपको, तो सबको ही पता होता है कि ये OH पे दो लोन पेयर होंगे, इधर भी दो लोन पेयर होंगे। तो यह जो कार्बन जुड़ा हुआ है ना इससे, तो ये जो कार्बन है ये लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे ये अट्रैक्ट करेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाएगी। अब यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे हाई हुई वैसे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन पे कम हो जाएगी और कार्बन पे ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पे देखना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन एटम इज इंक्रीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो यहाँ पे एक तरह से पोलराइजेशन तो हो ही रहा है, ठीक है, पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहाँ पर आ गए, कार्बन पर आ गए, ठीक, कार्बन पर आ गए, और यहाँ पे OH पे ज़्यादा है ही नहीं। यहाँ पर देखना, ये जो बॉन्ड है, ये जो OH बॉन्ड है वो वीक होने लगेगा, ठीक है। जैसे ये OH बॉन्ड होगा वीक होने लगता है, OH बॉन्ड वीक, ठीक है, तो यहां से क्या निकलता है, हाइड्रोजन बाहर चला जाता है। देन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फिनॉल। अब जैसे ही हाइड्रोजन एटम निकला तो यहां पे क्या होगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। जब ये पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका, फिनॉल का, ठीक। तो जैसे ही हाइड्रोजन एटम निकला यहां सर, तो हाइड्रोजन जैसे यहां ये निकला, ठीक, क्या हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ये बना क्या आपका, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, ठीक है। फिनॉक्साइड आयन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं। पूरा 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 अपन तीन डबल बॉन्ड भी बनाएंगे, एक ओ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज भी ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन। अब यह भी क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन भी क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ठीक है। फिनॉक्साइड आयन भी क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। यहाँ पे देखना, ये ओ फिनॉल से क्या गया, हाइड्रोजन एटम गया, यहाँ माइनस का साइन लगा दो। अगर ये रिवर्सिबल का साइन है, यहाँ पे क्या लगा दो, पॉजिटिव का साइन लगा दो। तो यह बनते बिगड़ते रहते हैं। कहने का मतलब ये कि OH आयन फिर से, हाइड्रोजन एटम फिर से आकर जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, फिनॉल, और H आयन अगर चला गया तो क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन। तो यह भी क्या रहता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज रहता है। और यहाँ पे क्या होता है, यह जो नेगेटिव चार्ज है ध्यान से देखना, ये नेगेटिव चार्ज है, यह नेगेटिव चार्ज क्या होता है, डीलोकलाइज होते रहता है। डीलोकलाइज होगा तो यह कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे ज्यादातर क्या है, आर्थो पोजिशन, और यह पेरा पोजिशन पे ज्यादा रहता है, ठीक। अब इसका भी कारण है बताता हूँ अभी, ठीक है। तो यह तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यह भी बनाता है कि एक बार क्या हुआ कि आर्थो पोजिशन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो यह डबल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक, यहाँ पर जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक। अब एक बार क्या होगा, मेटा पोजीशन पे नहीं टिकता, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, मेटा पोजीशन पे नहीं आएगा, तो कहाँ पर आएगा, पेरा पोजीशन पे आता है, ठीक है। पेरा पोजीशन पे जैसे आया तो ये बॉन्ड इस तरह से फिर से हो जाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कुल मिला के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है किसका, ये फिनॉल का, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन का, ठीक। अब यहाँ पर एसिडिटी बढ़ती कब है और घटती कब है, यहां से क्वेश्चन आता है कि अगर
कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फिनॉल पे आके जुड़ता है, फिनॉल पे आके जुड़ता है, एड होता है, ठीक है, तो उसकी एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी इंक्रीजेस। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अभी वो भी बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या होते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फिनॉल पे अटैक करते हैं तो उसकी एसिडिटी कम हो जाती है, एसिडिटी डिक्रीजेस। ठीक है, अब इसमें भी एसिडिटी इंक्रीज कब होगी, अगर वह आर्थो पोजीशन पे, अगर वह इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप आर्थो पोजीशन पर है या पेरा पोजीशन पे है तो उसकी एसिडिटी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अगर वो मेटा पोजीशन पे है तो उसकी एसिडिटी उतनी नहीं बढ़ेगी। तो मैं एक एसिडिटी का एक ऑर्डर बता देता हूं कि जैसे ये फिनॉल है, ये OH है, मतलब फिनॉल है। ठीक है, यहां पे अगर पेरा पोजीशन पे NO2 है, इसको क्या बोलेंगे, पेरा नाइट्रो फिनॉल, इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा रहेगी, किससे, आर्थो नाइट्रो फिनॉल से, आर्थो नाइट्रो फिनॉल से। ठीक, फिर इसकी एसिडिटी किससे ज्यादा रहेगी, मेटा नाइट्रो फिनॉल से। भाई या ऐसा नहीं कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं आएंगे, आएंगे, उनकी एसिडिटी उतना प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, फिर सिंपल फिनॉल, अगर सिंपल फिनॉल है तो सब उसकी एसिडिटी सबसे कम रहेगी। तो सबसे ये हो सकता है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ये पूछ लिया जाए। ठीक है, तो यह क्या है, सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी है, पेरा नाइट्रो फिनॉल की, फिर उससे कम आर्थो नाइट्रो की, उससे कम मेटा नाइट्रो की, फिर उससे कम फिनॉल की। तो यह क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये तीनों चारों कंपाउंड दे दिए जाएंगे कि विच वन इज करेक्ट। ठीक है, ये आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का साइन बदल दिया जाएगा, बीच में कहीं इक्विवेलेंट लगा दिया जाएगा कि पेरा नाइट्रोफिनॉल और आर्थो नाइट्रोफिनॉल की जो एसिडिटी है वो बराबर होती है, इस तरह का साइन, तो आपको सही वाला टिक करना है। या इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पॉम्प करके। ठीक है, पेरा नाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, सिंपल फिनॉल। ठीक है, अब देखते हैं इसकी सिंथेसिस। ठीक है, फिनॉल की सिंथेसिस देख लेते हैं, इसके बाद की कहानी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सिंथेसिस ऑफ फिनॉल। ठीक, अब जैसे क्यूमिन वर्ड आता है, क्यूमिन वर्ड, तो क्यूमिन ऐसा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर लगता है सुनने में कि यार क्यूमिन है वो, तो ऑर्गेन ये फार्माकोग्नोसिस में सुना है तो हो सकता है स्ट्रक्चर बड़ा हो उसका, कुछ नहीं है, बेंजीन है ना, सिंथेसिस ऑफ फिनॉल पढ़ रहे बेटा अपन, बेंजीन की रिएक्शन अपन ने सिंपली किससे करवा दी, प्रोपीन से, CH2 C डबल बॉन्ड CH2 से। ठीक है, प्रोपीन से, वन प्रोपीन बोलते हैं इसको, प्रोपीन से करवा दी, तो क्या बनेगा अपने पास में, किसकी प्रेजेंस में, फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में, H3PO4 फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में करवा दी। ठीक, या AlCl3 की प्रेजेंस में करवा दी। ठीक, क्या बनेगा अपने पास में, ये जो ये डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोजनों का वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो ये यहां से जुड़ेगा, तो ये बेंजीन पे आके क्या लगेगा, यहां पर आइसोप्रोपेन आके लग जाएगा बेटा, अपन साइड चेन में इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, साइड चेन में क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, इसको अपन और अच्छे से बनाए तो ऐसा बनता है बेटा, ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब इसकी रिएक्शन हमने करवा दी किससे, इसका हो गया क्या, इसका अपन ने करवा दिया एयर ऑक्सीडेशन, क्या करवा दिया, एयर ऑक्सीडेशन करवा दिया। ठीक, तो ये क्या बन जाता है, परोक्साइड,
है, क्या बन जाएगा, परोक्साइड। तो इसको ये जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है ना, इसी को बोलते हैं बेटा क्यूमीन। यहां पर देखना, इसको बोलते हैं क्यूमीन। ठीक है, अब एयर ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बन जाएगा, क्यूमीन परोक्साइड बन जाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड बन जाएगा। क्यूमीन हाइड्रो परॉक्साइड, हाइड्रो परॉक्साइड। ठीक, अब यहां पे इसको रिएक्शन करवा दो, सिंपली इसको क्या कराएंगे, ब्रेक डाउन करवाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फिनॉल और एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिनॉल इसको हाइड्रोलिसिस करवा दो, H2SO4 प्रेजेंस में करवा दो। ठीक, क्या बन जाएगा आपका, एसीटोन और फिनॉल बन जाएगा। देखो ये तीन कार्बन यहाँ पर, एक एक दो तीन, एक दो तीन यहाँ पर हो गया। ठीक है, एक ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक एच था, एक एच ये हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड हो, तो ये क्या हो गया, एसीटोन, और ये क्या है, फिनॉल। ठीक है, तो यहाँ पर सिंथेसिस में देखिएगा, सिंपल है, बेंजीन की रिएक्शन करवाई किससे, प्रोपीन से करवाई, किसकी प्रेजेंस में, फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में। क्या बना आपका, क्यूमिन बना। क्यूमिन का क्या किया, एयर ऑक्सीडेशन करवाया, क्या बना, क्यूमिन हाइड्रोपरॉक्साइड। फिर उसकी रिएक्शन करवा दी हमने किससे, H2SO4 से, तो क्या बन जाएगा आपका, एसीटोन और फिनॉल बन जाएगा। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया। अब फिनॉल के रिएक्शन, ठीक है, फिनॉल के रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, फिनॉल के यूजेस अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा। आपको याद रखना है क्या, आज का इम्पोर्टेंट क्या था, वो ESR में तीन स्टेप होती है, वो ध्यान देना है बेटा। ठीक है, कि ESR की तीन स्टेप कौन सी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर आपका कार्बोनियम आयन, ठीक है, आपका कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन, फिर आपका तीसरी स्टेप क्या थी, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय इलेक्ट्रोफाइल। फिर ये कुछ स्ट्रक्चर थे DDT के, सैक्रिन के, याद याद रखना है। ठीक, और एसिडिटी ऑफ फिनॉल में हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आपका फिनॉल का दूसरा नाम क्या है, और ये जो स्ट्रक्चर बताए थे ना बेटा, वो याद रखो, तरीके सीखो बनाने के। फिनॉल में ये जो बताए थे ना कि एक एक OH और जोड़ दिया तो केटोकोल हो गया, उसको बगल में लगा दिया रिसोप्शनॉल हो गया, फिर क्रिसॉल बनता है, मिथाइल लगा दो क्रिसॉल बन जाएगा, उसको मिथाइल को और मेटा पोजिशन पर लगा दो मेटा क्रिसॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा, बाकी की कहानी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।